अगर आप थार खरीदना चाहते हैं एंड कंफ्यूज्ड है, पेट्रोल लेना है, डीजल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेना है, कन्वर्टेबल लेना है, सॉफ्ट टॉप के साथ या तो हार्ड टॉप लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो ये हमारे साथ है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है काफ़ी, एंड पेट्रोल इंजन जो मेरा फेवरेट है, जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस विथ माइंड ब्लोइंग टॉर्क। आपको कहीं पर भी देखिए, ये आपको किसी भी जगह पर आपको दुख दर्द नहीं देगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि आप किसी भी पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ पर क्या चलता है, पुराना बोलेरो चलता है, जो आप देखेंगे इजीली चढ़ाई उतराई में इजीली जाता है, पहुँचता है, नीचे आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इसमें क्या है, आपको बहुत बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बहुत बड़ी साइज के 255 सेक्शन वाला टायर मिलता है, 18 इंचेस की व्हील मिलता है, एंड साथ में आपका 4x4 मिलता है। तो यहाँ पर कुछ भी दिक्कत के बात ही नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो है सॉफ्ट टॉप। अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे क्या महिंद्रा थार सॉफ्ट टॉप वर्सन कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, 10 में से 9 लोग आपको बताएंगे भाई इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे दिक्कत है, ये ना लेने के लिए आपको बोलेंगे। एंड यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो भर भर के रिव्यू है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा राय है, अगर आपको थार लेना है तो कन्वर्टेबल लीजिए, अगर आपको थार ही लेना है तो आप सॉफ्ट टॉप लीजिए। क्योंकि अगर आप हार्ड टॉप लेना चाहते हैं तो कोई भी व्हीकल आपको अच्छा लगने वाला है। अगर आप देखेंगे इस बजट में आपको सेल्टॉस अच्छा लगेगा, इस बजट में आपको क्रेटा अच्छा लगेगा, इस बजट में आपको इवन स्कॉर्पियो भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो खुल जाने की बात, जो इसका जो लुक्स आता है, वो किसी भी एसयूवी आपको नहीं दे सकता, ये बात है। जी हाँ, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिक्कत आपको आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। पहला बात जो है, ये सेफ नहीं है। अगर किसी भी टाइम आप इसको पार्क करके कहीं पर कीमती सामान छोड़ के जाते हैं तो बिल्कुल ये आपका इजी है इसको ओपन करना, एंड चोर यहाँ से इजीली किसी भी सामान को चोरी करके ले जा सकता है। दूसरी बात, आपको एक अच्छी वाला पार्किंग आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका पार्किंग जो है वो शेड वाला पार्किंग होना चाहिए, नहीं तो क्या है, इसमें बहुत भारी भयंकर बारिश होगा तो क्या है, है तो ये वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, नहीं भी आता है तो यहाँ पर जम जाएगा, और अभी नहीं जम रहा है तो कुछ दिन बाद जमने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो ये एक चीज़ है। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है वो है 80 की स्पीड 80-90 स्पीड में आपको इतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये ना आपको आवाज़ करती है, ये आपको आवाज़ सुनने को मिलता है, तो वो एक चीज़ आपको अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा ये मुझे अच्छा लगता है। एंड ये बेसिकली 2 सीटर कार है तो ये 4 सीटर, लेकिन अगर आपके फैमिली में 4 बंदे हैं, मतलब आपका पेरेंट्स, आपका फैमिली, ये सब मिला के 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे के लिए बहुत दिनों का जो टूर होता है ना, 5-7 दिन के लिए हम लोग निकल जाते हैं, तो वो नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको खाने का सामान, रखने का सामान, मतलब 2-3 डफल बैग अगर आप रखते हैं तो आपका बूट स्पेस में इनफ जगह नहीं है, प्रॉब्लम होगा। एंड आप पीछे की रेयर सीट में ये आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो बूट स्पेस पूरा ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए आपको रेयर सीट में आपका सामान रखना होता है। तो जब भी आप टूर करेंगे तो ये कार में 2 लोग ही आराम से जा सकते हैं, ये एक पॉइंट है। और एक प्रॉब्लम जो है वो है इसकी जो रेयर जो विंडो आप बोल सकते हैं, रेयर का जो प्लेस है यहाँ पर, ये प्लास्टिक का है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका डिफॉगर, वॉशर, ये सब तो नहीं आता है। तब जब भी आप किसी गंदे रास्ते से जाते हैं तो धूल मिट्टी यहाँ पर जम के पीछे में रेयर में क्या होता है, रेयर में आपका विजिबिलिटी ख़त्म हो जाता है, मतलब आपको भरोसा करना पड़ेगा ओवर वीएम के ऊपर, आईआर वीएम में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कि ये जो सॉफ्ट टॉप का जो मटेरियल है तो ये बहुत अच्छा बढ़िया मटेरियल, लेकिन इसमें क्या है, आपका डस्ट बहुत अंदर जाता है, आप देख सकते हैं ये जो चीज़, ये धीरे धीरे आपका ख़राब होगा कुछ दिनों में, एंड डस्ट इसमें इतना अंदर जाता है,
मतलब आपका जो चेन है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। बाकी मुझे कार बहुत अच्छा लगा चलाने में। इसका आप कुछ भी ले लीजिए, पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, इसका एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन या तो एम हक डीजल इंजन, जो महिंद्रा ने काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि थोड़ा सा भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। पहली बात, इसका लो एंड टॉर्क तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको कहीं पर भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मिड रेंज इसका बहुत काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज में भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये कार। एंड अगर टॉप एंड की बात करूँ, ये एक ऐसी सेगमेंट की कार है जहाँ पर टॉप एंड कोई नहीं ढूंढता। अभी महिंद्रा 5-डोर थार के साथ काम कर रहा है, कुछ दिनों में हमें ये थार 5-डोर में देखने को मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो जीप रेंगलर से मैं कंपेयर नहीं करूँगा, जीप रेंगलर वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन वैसी आपको देखने को मिलेगा। एंड 5-डोर होने से क्या होगा, आपका जो पैसेंजर सीट है उसमें आपका चढ़ना बैठना ये बहुत इजी हो जाएगा। सोच रहे हैं कि एक टॉप रैक लगा के मैं कुछ सामान कैरी करूँगा, तो वो भी आप नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर टॉप रैक लगा लिया तो आपका ये कन्वर्टेबल ये आप नहीं ओपन कर सकते, तो इसको लेना ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये 2-सीटर कंफर्टेबल है फॉर योर जर्नी, फॉर योर टूर, फॉर योर ऑफ रोडिंग, सबके लिए। लेकिन हाँ, इसमें आप पिलियन पैसेंजर के साथ भी आपको कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि आपको थोड़ा सा हल्का होना ज़रूरी था, कार को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा आपका जो पावर है, पावर डिलीवरी है, थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कभी भी आपको फील नहीं आएगा। हालांकि इसमें आपको 4 लो 4 हाई तो मिलता ही है। एंड गियर बॉक्स, मैं ये मैनुअल कार चला रहा हूँ, इसका गियर बॉक्स, बिलीव मी, इसका गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, बैटरी स्मूथ है। एंड मैं जस्ट 2-4 दिन पहले मारुति जिम्नी चलाया, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू जिम्नी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर गियर बॉक्स इसका बहुत इजी है। चाहे तो आप ऑटोमेटिक लीजिए, क्या तो मैनुअल लीजिए, मैनुअल का गियर बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लच की अगर बात करेंगे, क्लच बहुत लाइट है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो महिंद्रा वाले कोई भी लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मेरा सजेशन है भाई, सस्पेंशन के साथ थोड़ा सा काम कीजिए। ये सस्पेंशन क्या है, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है। अगर आप पॉट होल्स गड्ढे से निकल रहे हैं तो क्या होता है, अगर आपका स्पीड कम है तो आपको झटके नहीं लगते, अगर आप ज़्यादा स्पीड में उसको गड्ढे को पार करेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटके लगने वाले हैं, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है। हाँ, सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मज़ा आएगा, अगर आप हार्डकोर ऑफरोडिंग करेंगे तब ये आपको मज़ा आएगा। बॉडी रोलिंग भाई इसमें होता है, एंड अच्छा खासा बॉडी रोलिंग होता है। एंड अगर आप हाईवे में भी क्रूज़ कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा फील आएगा। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि इसको ओपन करने में एंड क्लोज करने में कितना टाइम जाता है। जस्ट इसको आपको जस्ट यहाँ पर चेन लगाया हुआ है, एंड ये जो चेन है ना, ये डस्ट की वजह से थोड़ा हार्ड बन सकता है, बाकी इसको आपको क्लीन करके रखना होगा, बस ये ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर ओपन होने से ये पूरा नीचे चले जाते हैं, बट इसको आपको ऐसे अंदर रखना है। ये मैंने अंदर रख दिया, उसके बाद मैं दूसरी साइड, ये हो गया हमारा। एंड ये ऊपर का कैसे ओपन होता है मैं दिखाता हूँ, आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये सनवाइज़र के नीचे आपका लॉक मैकेनिज्म है, इसको जस्ट ओपन करना है पहले। तो इसको होने के बाद जस्ट इसको ऐसे ओपन करना है, एंड मैं पहले मेरा ड्राइवर सीट थोड़ा सा पीछे कर लेता, बस इसको आपको उठाना है ऐसे, एंड रियर की साइड में पुश करना है। एंड पुश करने की टाइम ये जो रॉड है मिडिल का, ये भी आपको साथ में पुश करना है, मतलब नहीं तो नहीं जाएगा। एक लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दोनों है तो पॉसिबल है इजीली, बस चला गया पीछे। अब इसका व्यू आप देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल आपको मतलब पूरा आसमान मिलेगा। एंड आपको लगेगा ये जो कंप्लेंट होता है ना भाई, के
मेरे कार में हेडरूम थोड़ा सा कम है। अभी लीजिए ना, कितना हेडरूम चाहिए आपको? आपका कितना भी हाइट हो, हेडरूम का प्रॉब्लम नहीं है। एंड इससे बड़ा सनरूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है सॉफ्ट टॉप की मज़े। लेकिन इसमें दिक्कत तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चीज़ आपको मिलेगा ना, ये आपको करोड़ों की कार में मिलता है। एंड बिलीव मी, अगर आपका उनका रिव्यू देखेंगे, जो कार में ना, जो बहुत कीमती कार होता है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ से वाइब्रेशन आता ही आता है। लेकिन पानी आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक मैकेनिज्म है, ये बहुत अच्छी चीज़ के साथ है। एंड इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। रियर सीट काफ़ी अच्छा है दो लोगों के लिए, तीन लोग नहीं। एंड ये कार रजिस्ट्रेशन भी होता है चार लोगों के लिए, पांच लोगों के लिए नहीं। तो पांच लोग आसानी से बैठा के लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सामान रखने के लिए बूट का इस्तेमाल जो करना पड़ता है, वो आपका प्रॉब्लम है। बूट में आप देखिए, ये कन्वर्टेबल है तो सॉफ्ट टॉप अंदर चला गया, तो बूट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर आप बैकपैक भी करी कर रहे हैं तो रखेंगे कहाँ? या तो आपकी पैर के नीचे रखना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना है, या तो आपके ऊपर चढ़ा के लेके जाना है, पकड़ के लेके जाना है, वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये जो सबसे ऑड चीज़ है ना, ये ऑडियो की यहाँ पर माउंटिंग, ये यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, ये दूसरी जगह पर रिप्लेस होना चाहिए था। क्योंकि अब जब भी यहाँ पर खड़े होना चाहेंगे, देखिए, तो ये चीज़ आपको लगता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा दूसरी जगह पर सेट करता महिंद्रा तो बहुत अच्छा होता। लेकिन स्पेस मैनेजमेंट क्या करे, कार में स्पेस ही नहीं है इतना। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ कवर कर लिया है, जो चीज़ मुझे बताना था, बहुत सारे चीज़ मैंने बताया अभी तक। बहुत सारा पॉजिटिव बताया, बहुत सारा नेगेटिव भी बताया, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है बताना चाहिए, कि अगर आपके पास ये ओनली व्हीकल है, या तो आप नया ख़रीदना चाहते हैं एंड आपके घर में दूसरा व्हीकल नहीं है, तो मुझे लगता है ये व्हीकल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कंफर्ट की बारे में सोचेंगे, तो देखिए, अगर इस बजट में आपको जो क्रेटा मिलता है, सेल्टॉस मिलता है, स्कॉर्पियो मिलता है, उसका जो कंफर्ट लेवल है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। मतलब फैमिली कार ये सब नहीं है, ये बस लाइफस्टाइल कार है। एंड इसमें आपको जो चीज़ मिलता है वो सब कार में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, ऑफ रोडिंग तो बहुत सारे कार कर लेते हैं, स्पेशली जो रेयर व्हील ड्राइव है, वो भी आसानी से बहुत अच्छा ऑफ रोडिंग करता है। लेकिन ये स्पेशली बना है हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए। तो अगर आपका पैशन है, आप माउंटेन में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कुछ भी है, तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना चाहिए। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, वो एक हैचबैक जैसा है, एक नॉर्मल सेडान जैसा है, क्योंकि इसमें आपको 4 से 5 हज़ार का मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। लेकिन वो बात अलग है, अगर आप टायर चेंज करते हैं, आपका दूसरा कुछ चेंज होता है, पार्ट्स चेंज होता है, वो अलग चीज़ है। बाकी इसमें बहुत अच्छे है। देखिए, इसका जो क्लैडिंग है, लोग लेके इसमें पहले क्या करते हैं, इसके PPF करवाते हैं, इसमें रैपिंग करवाते हैं, लेकिन डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फुल बॉडी क्लैडिंग है। एंड इसका जो क्लैडिंग है ना, ये पहले उसके साथ टकराता है। आप पेड़ पौधे से लेके जाएंगे, पहाड़ में बर्फ़ के अंदर लेके जाएंगे, तो क्या होता है, पहले वो चीज़ टकराता है, तो कार में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, तो वो मत सोचिए। हाँ, आप सॉफ्ट टॉप लेते हैं तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो चीज़ आप लेते हैं ना, इसमें आप पहले 2-3 दिन आपको इसको ब्लैक कलर में मिलता है, तो ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा, बाद में ये बहुत गंदा होता है। क्योंकि ये जो मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है, कुछ भी कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदा होता है एंड धूल मिट्टी इसमें जमता है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि बाद में इसको आप सॉफ्ट टॉप बदल के हार्ड टॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो महिंद्रा से करवाइए, दूसरी जगह पर मत करवाइए। महिंद्रा आपको करवा के देगा, लगभग 1 लाख का खर्चा आ सकता है, लेकिन आप करवा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट टॉप का मज़ा जो आपको मिलता है, जो लुक्स मिलता है, जो रोड प्रेजेंट्स मिलता है, वो आपको दूसरी कार में नहीं मिलेगा। एंड ये एक ऐसा कार महिंद्रा बनाया है जिसमें 2.5 साल होने को है, 2.5 साल, 2 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी इतना क्रेजीनेस है लोगों के अंदर। अभी मैं 30 किलोमीटर चला के आया, तो 30 किलोमीटर मैंने देखा बहुत सारे लोग घूम घूम के देख रहे हैं कार को, कि कार का रोड प्रेजेंट्स कुछ ऐसा है। तो बिलीव मी,
कार बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ चलता है, देसी कंपनी है लेकिन इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा है। चाहे वो 2 लीटर की पेट्रोल इंजन लीजिए, चाहे वो 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन लीजिए, दोनों ही काफ़ी रिफाइंड है। सस्पेंशन थोड़ा सा अगर स्टीप बनाया जाता तो मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि आप सब हर टाइम तो आप जो क्रूज़ करेंगे आपका स्पीड होगा 70-80 किलोमीटर पर आवर की, तो मुझे लगता है इस स्पीड में इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बॉडी रोलिंग की इशू है और ये रहेगा, जो ये सह सकता है वही इस कार को लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। तो भी हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का पतला ऑफ रोडिंग किया। ऑफ रोडिंग में देखिए, अगर मुझे, मैं पहले जिमनी चलाया, पहले थार चलाया, मुझे एक चीज़ लगता है इस कार को बिल्कुल भी ना आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ये खुद से सब कुछ कर लेता है, बस आपको स्टीयरिंग का ध्यान रखना चाहिए। एंड इसका जो आपका सीटिंग पोस्चर है इसमें थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं, किसी की मार्केट की अंदर से घुस रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा, आपको क्या है, 2-3 महीना आपको ये चलाने के बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं देगा, लेकिन पहले पहले मुझे लगता है थोड़ा सा आपको आइडिया के ऊपर चलना पड़ेगा। एंड इसमें रियर व्यू कैमरा नहीं आता है, ये बड़ा, सबसे बड़ा दिक्कत की चीज़ है। अगर आपको ये लगता है तो आपको ये लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। एंड ये आफ्टर मार्केट आता है, महिंद्रा से भी आता है, दोनों का क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो चलिए अभी इसको रोड में टेस्ट करेंगे, इसका बाकी जो चीज़ मैंने अभी तक बताया नहीं है वो मुझे कैसा लगता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहली बात स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करूँगा, स्टीयरिंग फीडबैक इतना अच्छा नहीं है, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी कार से तो स्टीयरिंग फीडबैक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। क्लच बहुत लाइट है एंड गियर शिफ्टिंग बहुत इजी है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि इतना भारी भरकम कार आप चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इतना खास पसंद नहीं है, एंड ये लाइफस्टाइल व्हीकल है, इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे तो ही अच्छा है। फिर भी मुझे लगता है ऑडियो क्वालिटी और भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, एंड इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स, कनेक्टिविटी और भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, मतलब ये थोड़ा सा पुअर है एंड बैकडेटेड भी है। एंड इसका गियर रेशियो मैं बताऊं, फास्ट गियर एंड सेकंड गियर, मुझे लगता है ये ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया है फास्ट गियर एंड सेकंड गियर, मेनली रोड में आपको थर्ड गियर से मालूम पड़ता है कि चीज़ क्या है। एंड स्टीयरिंग का फीडबैक और भी थोड़ा सा अच्छा होता तो मुझे अच्छा लगता। एंड सिटी ट्रैफिक में एक मज़ा है कि इसको आप 40 के स्पीड में भी थर्ड गियर में चला सकते हैं, मतलब बार बार जो गियर चेंज का प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं करना पड़ता है यहाँ पर, अच्छी बात है। लेकिन सिटी में इसका मेन प्रॉब्लम होता है इसको पार्किंग करना, एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है सिटी में। ऐसा नहीं है कि सिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सिटी में। इसका माइलेज एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे, भाई माइलेज इसमें जो आता है EMI में जो शो होता है इसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी दिखाता रहता है, कभी आपको दिखाएगा 15, कभी दिखाएगा 20, कभी दिखाएगा 5। तो इसका अगर आपको रियल माइलेज देखना है, रियल माइलेज कैसा है, तो आपको टैंक टू टैंक देखना पड़ेगा। एंड इसका जो रियल माइलेज है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डीजल वेरियंट खरीद रहे हैं तो डीजल वेरियंट में आपको सिटी में जो मिलेगा वो है 11-12 की माइलेज मिलेगा, एंड अगर आप हाईवे में अच्छी तरीके से चलाते हैं तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, मतलब 16-17 की माइलेज भी मिल सकता है। लेकिन अभी तक इस कार में से जो मुझे दिया है वो है 15.5 की माइलेज मुझे मिला है हाईवे से। एंड अगर आप पेट्रोल वेरिएंट के साथ जाते हैं तो पेट्रोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में 8 से 8.5 या तो 9 की माइलेज दिखाई मिल सकता है, एंड अगर आप हाईवे में जाते हैं तो पेट्रोल वेरिएंट के साथ 12 मैक्सिमम 13 आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बाकी वो वेरिएंट भी बहुत सही है, ये भी बहुत सही है। एंड डीजल में मुझे लगता है थोड़ा सा भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है।